घंटा बजा दिया मोहम्मद शामी ने पकड़ के भाई न्यूजीलैंड का। सबसे पहले तो मुझे जो लफ्ज समझ आया ना, वो ये समझ आया कि पकड़ के न्यूजीलैंड का घंटा बजा दिया। ब्रिंग बैक शामी, शामी को वापस लाओ, मोहम्मद शामी को लाओ। आपके पास दुनिया का बेस्ट ट्रियो है, बुमराह, सिराज, शामी। क्या क्या थक गए, लेकिन नहीं, ठाकुर को खिलाना था, ठाकुर को खिलाना था। आज आया शामी पहली बॉल के ऊपर, पहली बॉल के ऊपर शामी ने आके विकेट ली, विल जंग की किल्लियां उड़ाई। तो दे ड्रॉप्ड, तो हार्दिक वाज नॉट अवेलेबल एंड शार्दुल की जगह उन्होंने शामी को डाला। गुड डिसीजन, और सही डिसीजन लिया इंग्लैंड की टीम। और मोहम्मद शमी ने भाई साहब क्या कमाल और लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है, और इंडिया की टीम को बड़ा जबरदस्त कमबैक करवा दिया मोहम्मद शमी ने। और शमी ने आज बता दिया कि भाई साहब इतने दिन मुझे बाहर क्यों बैठाया हुआ था। शमी को ले लो, शमी को ले लो, शमी को ले लो। वो फुल टाइम बॉलर है, वो फुल टाइम बॉलर है, उससे बेहतर सीम आज भी कोई नहीं करता। लेकिन शार्दुल की बैटिंग की वजह से मोहम्मद शमी तो क्या भाईजान पकड़ के उड़ा दिया, घंटा बजा दिया पकड़ के मोहम्मद शमी ने। लिटरली मुझे बड़ी खुशी है मोहम्मद शमी के लिए, मैं मोहम्मद शमी के लिए बड़ा ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मोहम्मद शमी के साथ आप व्याती करते आ रहे हो एशिया कप से, और मोहम्मद शमी ने इससे पहले भी सुपर किस्म की बॉलिंग की है। इस वर्ल्ड कप का बेस्ट स्पेल किया है शाहिन शाह अफरीदी ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 5/54 किया था। आज मोहम्मद शमी ने भी 5 विकेट ली, 54 रन देके मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप के अंदर अपनी 35 विकेट पूरी कर ली हुई है। अल्लाह पाक की कसम उठा के कह रहा हूँ, अब चेंजिंग ना करना, मोहम्मद शमी को पूरा वर्ल्ड कप खिलाओ, मोहम्मद शमी को पूरा वर्ल्ड कप खिलाओ, खिलाओ 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 खिलाओ। तरला घंटा बजा दिया मोहम्मद शमी ने पकड़ के भाई न्यूजीलैंड का। सबसे पहले तो मुझे जो लफ्ज समझ आया ना, वो ये समझ आया कि पकड़ के न्यूजीलैंड का घंटा बजा दिया। इतना अच्छा वो खेले हैं शुरू में, उतना जबरदस्त पकड़ के एंड में मोहम्मद शमी ने घंटा बजा दिया न्यूजीलैंड का, और बता दिया कि और मुझे बाहर बिठाओ और मेरे से ऊपर शार्दुल ठाकुर को खिलाओ। शमी को ले लो, शमी को ले लो, शमी को ले लो। वो फुल टाइम बॉलर है, वो फुल टाइम बॉलर है, उससे बेहतर सीम आज भी कोई नहीं करता। लेकिन शार्दुल की बैटिंग की वजह से मोहम्मद शमी तो क्या भाईजान पकड़ के उड़ा दिया, घंटा बजा दिया पकड़ के मोहम्मद शमी ने। लिटरली मुझे बड़ी खुशी है मोहम्मद शमी के लिए, मैं मोहम्मद शमी के लिए बड़ा ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मोहम्मद शमी के साथ आप व्याती करते आ रहे हो एशिया कप से, और मोहम्मद शमी ने इससे पहले भी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भाईजान मैच हुआ था उसमें मोहम्मद शमी ने फाइफर मारा था, आपने शमी के साथ व्याती की, आपने फिर बाहर बिठाया, आपने फिर मोहम्मद शमी की वजह से फोकिया दिया आपने शार्दुल ठाकुर को। और भाई मोहम्मद शमी वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वर्ल्ड क्लास उसी के साथ लगता है जो परफॉर्म करता है, और आज उसने करके बता दिया। आज अगर न्यूजीलैंड का 300+ नहीं हुआ तो वो मोहम्मद शमी की डेथ बॉलिंग है, के पकड़ के घंटा बजा दिया न्यूजीलैंड का। अगर मैं ये चीज बोलू ना, घंटे का असली मतलब कहीं देखना ना, घंटा जिसको पकड़ के बजा देना कहते हैं वो ये था, इसे कहते हैं पकड़ के बता के घंटा बजा दे। 100+ से ऊपर जाने की बात है, क्योंकि 45 ओवरों में इनका 245 था, 45 ओवरों में इनका 245 था, और हमें यह लग रहा था कि ये तो 300+ करेंगे। लेकिन क्या बॉलिंग की है मोहम्मद शमी ने, और ये थोड़ा सा आपको मैं पीछे लेके जाऊं, मोहम्मद शमी ने अपनी आते साल पहली बॉल में विकेट ली, विल यंग को आउट किया। उसके बाद फिर जब 31 ओवर हो चुके हैं, तब विराट कोहली और रोहित शर्मा के दरमियान थोड़ी सी डिबेट हुई थी। जब 31 ओवर के बाद मोहम्मद शमी को दोबारा कमबैक करवाया बॉलिंग में, तो वो विराट कोहली ने रोहित के साथ जाके बहस किया। रोहित नहीं थे लाना चाह रहे, रोहित का दिल था कि मैं उधर स्पिन के साथ जो है जाऊं, लेकिन विराट ने रोहित को बोला, आप वो क्लिप देख लेना जाके, कि विराट ने फिर रोहित को बोला कि भाई शमी को वापिस ले गया, इधर शमी विकेट लेके देगा, इधर शमी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली को पता है कि जब विराट कोहली कप्तान थे तो विराट कोहली को पता है कि मोहम्मद शमी मेरा प्राइम बॉलर होता था, मोहम्मद शमी मेरा डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट, वो मेरी नई बॉल भी कभी कभी करता है, मिडल ओवर का वो स्पेशलिस्ट था। तो शमी ने वो बता दिया है कि क्यों विराट कोहली हमेशा से मोहम्मद शमी के ऊपर जो है वो इत्माद करते हैं। देखो इस वर्ल्ड में मोहम्मद शमी से बेहतर सीम अल्लाह की कसम आज भी कोई नहीं करता, बेहतर सीम मैं कहता हूं दुनिया का बड़े से बड़ा बॉलर ले आओ, मोहम्मद शमी से बेहतर सीम किसी की नहीं है, क्योंकि मैंने उसको, ओ भाई उसकी सीम उसे एक्स्ट्रा पेस देती है। जब सीम भुवनेश्वर कुमार था उसकी पेस नहीं थी, लेकिन उसकी सीम जब पड़ती थी ना तो उसको पेस में, अब शमी की पेस भी है, जब पेस के साथ सीम पड़ती है ना भाई, तो बैट्समैन का घंटा उधर ही बज जाता है। और रखो शार्दुल ठाकुर को, देखो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में अल्लाह पाक की कसम उठा के कह रहा हूं, अब चेंजिंग ना करना, मोहम्मद शमी को पूरा वर्ल्ड कप खिलाओ, मोहम्मद शमी को पूरा वर्ल्ड कप खिलाओ 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 खिलाओ। तरला डाल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये रिक्वेस्ट मैंने ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी की थी, जब शमी ने फाइफर लाया मैंने बोला शमी मेन बॉलर है, मोहम्मद शमी मेन बॉलर है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने कट्ठे बहुत बॉलिंग की है और मैचेस जितवाए हैं, ये नहीं सिर्फ बॉलिंग की है, मैचेस जितवाए हैं। तो शार्दुल की बैटिंग की वजह से आप शमी के कैरियर के जो है वो लसन लगवा रहे हो, लेकिन मुझे पर्सनली यकीन करके कसम उठा के कह रहा हूं, जितनी मुझे खुशी हो रही है ना शमी की इस बॉलिंग की,
क्योंकि एक परफॉर्मर, एक वर्ल्ड क्लास बॉलर आपके बेंच में बैठा हुआ है और आप उसको समझ नहीं पा रहे, आपको पता नहीं है कि उसको खिलाना कब है, आपको ये नहीं पता कि उसके साथ करना क्या है। मतलब मैं कहता हूं चुम्मा देना चाहिए मोहम्मद शमी को इस पिच के ऊपर। अगर न्यूजीलैंड 300 कर जाता तो भाई मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गसन काम डाल सकते थे। अब न्यूजीलैंड इस माइंडसेट के साथ आएगा कि हमें एल लगा के गया इंडिया, हमें बजा के गया इंडिया, हमारा घंटा जो है वो बजाया है। और ये जो टीम है इंडिया की, ये इस वक्त पूरी की पूरी 100% परफेक्ट टीम नजर आ रही है। वो कमी आप भी जानते हैं, वो कमी हम भी जानते थे पिछले जब से वर्ल्ड कप शुरू है तब से हम कहते जा रहे हैं ब्रिंग बैक शामी को वापस लाओ, मोहम्मद शामी को लाओ। आपके पास दुनिया का बेस्ट ट्रियो है, बुमराह, सिराज, शामी, क्या क्या थक गए, लेकिन नहीं, ठाकुर को खिलाना था। आ गया शामी पहली बॉल के ऊपर शामी ने आके विकेट ली, विल जंस की किलियां उड़ाई। ये होता है बॉलर। उसके बाद उसने अन्नी बचा देने से छोड़ना नहीं था, शामी ने नहीं छोड़ना था, वो तो आपके फील्डर ने उसका साथ नहीं दिया, जडेजा ने उसको धोखा दे दिया, कैच छोड़ दिया और रविंद्रा 75 मार गया। आज शामी का दिन था, लेकिन उसने साबित किया, एंड के ऊपर आया और विकेट्स लेके गया, सुपर किस्म की बॉलिंग की है, इस वर्ल्ड कप का बेस्ट स्पेल किया है। शाहिन शाह अफरीदी ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 5/54 किया था, आज मोहम्मद शामी ने भी 5 विकेट्स ली, 54 रन देके मोहम्मद शामी ने वर्ल्ड कप के अंदर अपनी 35 विकेट पूरी कर ली हुई है। क्या बात है, मतलब के क्या स्टैट्स चल रहे हैं, मतलब मेरा ख्याल है 36 विकेट पूरी कर ली है। जी हाँ, 36 विकेट पूरी कर ली हुई है इंडिया की तरफ से, ये तीसरे नंबर के ऊपर आ रहा है। अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया हुआ है 14 इनिंग्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 14 इनिंग्स के अंदर। जो अनिल कुंबले, जो बड़े बड़े इनके बॉलर थे, उन्होंने 20 इनिंग्स 25 इनिंग्स के अंदर ये काम किया हुआ है, वो शामी ने सिर्फ 14 इनिंग्स के अंदर कर दिया और आगे तक और करेगा। अभी तो शुरुआत हुई है शामी की, अभी तो आया है 205 37वां ओवर 3 आउट, 205 37वां ओवर 3 आउट थे। यहां से हम बातें कर रहे हैं, अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं 320, मैं कह रहा हूं 315, रिजवान भाई कह रहे हैं 300, तो आराम से बोर्ड पे नजर आ रहा है। लेकिन क्या होता है कि इनसे रन ही नहीं होते, एंड के ऊपर रन ही नहीं होते, लास्ट 60 बॉल्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 54। सुपर बॉलिंग इंग्लैंड की टीम, और मोहम्मद शमी ने भाई साहब क्या कमाल और लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है, और इंडिया की टीम को बड़ा जबरदस्त कम बैक करवा दिया मोहम्मद शमी ने। और शमी ने आज बता दिया कि भाई साहब इतने दिन मुझे बाहर क्यों बैठाया हुआ था, मेरी क्या गलती थी कि आपने जो इतने मैचेस एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी मुझे बाहर बैठा के रखा, और आज जो मोहम्मद शमी ने तबाही फेर के रख दिया भाई साहब। अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा, जिस तरह से शमी ने बॉलिंग की है ना, ऐसा लग रहा था कि ये बंदा प्रॉपर जो है सारे मैच इसने खेले, कोई मैच इसने छोड़ा नहीं है, बिल्कुल लय में ऐसा लग रहा था कि शमी बॉलिंग कर रहे हैं। और बाकी कुटाई हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन शमी ने जो बॉलिंग किया ना, अनबिलीवेबल बॉलिंग किया है, जबरदस्त बॉलिंग, 10 ओवर में 54 स्कोर देके 5 खिलाड़ी आउट कर लिए, और सारी की सारी बड़ी विकेट्स मोहम्मद शमी ने ली हैं। और न्यूजीलैंड की टीम, जहां पर ऐसा लग रहा था कि जहां वो 350-350 स्कोर तक जाएंगे, वहां न्यूजीलैंड की टीम जो 300 स्कोर भी नहीं बना पाई, और जो टोटल जो 273 स्कोर पे